हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल इंडेक्स में कहाँ ट्रेड है और कल के लिए लेवल क्या है। वीकली एनालिसिस करेंगे पहले। कि यहाँ पे हमने देखा कि ये वीक में अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला है, एक लोअर लेवल रिजेक्शन देखने को मिला है। अगर यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो एक सपोर्ट लिया है मार्केट ने, जो कि प्रीवियसली ऑलरेडी सपोर्ट जोन था, वहीं से मार्केट वापस घुमा है ऊपर की ओर। अभी के लिए देखें तो हम लोग मंडे या शायद गैप अप ओपन होने के चांसेस है, बट बाइंग जो है इतनी खास नज़र नहीं आई ये लास्ट वीक में। अपर लेवल होल्ड किए हैं बट अपर लेवल से रिजेक्शन भी देखने को मिले हैं हमें। मंथली चार्ट देखें तो ये वीक एकदम इम्पोर्टेंट है, लास्ट वीक है कि यहाँ पे मंथली क्लोजिंग हमको देखने को मिल सकती है। तो वीकली चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि एक बाउंस यहाँ से एक्सपेक्टेड है, यहाँ से बाउंस आ सकता है वापस ऊपर में। अगर ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करें तो एक रेंज नैरोइंग हो रही है। फिलहाल के लिए जो डाउन साइड थी वो पॉज होते हुए नजर आ रही है। अभी के लिए कुछ एक एक हफ्ता है, दो या दो हफ्ते मार्केट ऊपर रह सकता है, बट जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती ऊपर में या नीचे में, तब तक मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहेगा। ऊपर भी जाना है मार्केट को तो ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक हम लोग कन्फर्म अपसाइड नहीं समझेंगे। ऊपर में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 36,100, और नीचे में जो रिसेंटली लो बने हैं वो सपोर्ट का काम करेंगे 32,470-450। ये रेंज में अभी आने वाले हफ्ते, दो तीन हफ्ते मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। डेली डेली चार्ट हम लोग देखें तो यहाँ पे अब एक गैप अप ओपन होकर क्लोज दिया है। 30 मिनट चार्ट पे हम लोग देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना है यहाँ पे, जो कि है 33,750 एंड 700। इसके ऊपर ही ओपन होने के चांसेस अभी गैप अप मंडे में। तो ऊपर अगर ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे कि एक पुल बैक आए या फिर कंसोलिडेट करे थोड़ा सा वो रेंज में, उसके बाद हमारे लिए टारगेट होंगे ऊपर में। ये जो गैप बना है गैप फिल करेगा मार्केट, तो यहाँ पे अपसाइड हम लोग देखेंगे 34,350-300 के हमारे टारगेट होंगे, और ऊपर ये 650 तक कंटिन्यू हो सकता है। ये एक रेंज में थोड़ा सा बाउंस देखने को मिलेगा, जैसे ये गैप फील होता है वापस सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है और बाउंस में वापस से एक रैली के बाद सेलिंग शुरू हो सकती है। निफ्टी देखेंगे, निफ्टी वीकली चार्ट हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे भी एक रिवर्सल देखने को मिला है हमको अच्छा खासा। प्रीवियस सपोर्ट जो था उसके अंदर वहीं पे क्लोजिंग आया है। बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी थोड़ा वीक ही है। निफ्टी डेली चार्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो बार बना है रेड बार अभी वो फुलफिल नहीं हुआ है, जस्ट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, और ये जो प्रीवियस सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर गैप अप भी ओपन होता है मार्केट तो जब तक के निफ्टी ये रेजिस्टेंस ये प्रीवियस सप्लाई जोन ब्रेक नहीं करता ऊपर में तब तक के पॉजिटिव नहीं है। तो ये जोन 15,900 के आसपास है, 15,900 जब तक के ब्रेक नहीं करता है निफ्टी तब तक निफ्टी पॉजिटिव नहीं है। सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली यहाँ पे आ सकता है, 15,800-850 के पास कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है। तो गैप अप अगर ओपन हो रहा है और 900 के आसपास ओपन हो रहा है 850-800 के पास, तो भी हम लोग बाय के लिए प्लान नहीं करेंगे जब तक के 900 ब्रेक नहीं होता है, तो वहाँ से फिर से सेलिंग आ सकती है। डाउन साइड हम लोग देखें तो थोड़ा वीक होगा, 600 के नीचे वीक हो रहा है, तो 500 और 380-400 के हमारे नीचे में टारगेट होंगे। 900 हम लोग देखेंगे ब्रेक हो रहा है अगर 900, तो ये जो गैप बना है ये गैप फील होगा, तो हमको 900 के बाद में 16,000 और 16,150 तक के ऊपर में निफ्टी जाते हुए दिखेगा। वीकली चार्ट पे हम लोग देखेंगे तो ये 900 के ऊपर पॉजिटिव होगा तो ये गैप फिल करेगा, और ऊपर में एक ब्रॉडर रेंज हमको देखने को मिल सकती है। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो रही है, और सेकंड जो है बिगर रेंज जो कि ऊपर में हमको यहाँ पे आए, तो यहाँ तक तो आने के चांसेस थोड़े कम है। उसके पहले एक आधा डीप मिलेगा, वह बाद में वापस ऊपर जाएगा, बट मैक्स यहाँ पे हमको देखने को 16,400 तक के वापस से सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। तो एक रेंज बाउंड रह सकता है मार्केट ये वीक में थोड़ा अपसाइड के बाद में। और नीचे में अगर देख रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे अगर 450-400 के नीचे आ रहा है वापस से निफ्टी, तो वापस से फ्री फ्लोट ये गिरना
शुरू कर देगा। फिलहाल थोड़ा सा ट्रेडिंग मार्केट रहेगा ये वीक में, बाउंस एक देखने को मिल सकता है, कुछ दिन बाउंस कंटिन्यू हो सकता है यहाँ पे। चलिए स्टॉक देखते हैं, M&M का स्टॉक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक, प्रीवियस जो सप्लाई जोन थे प्रीवियस हाईज पे ब्रेक किए और यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने का मिला। ब्रेकआउट के बाद हम लोग देखेंगे कि एक ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हो, उसके बाद में 2 दिन कंसोलिडेट हुआ है 2 हफ्ते, और जहाँ पे ब्रेकआउट जोन था जो प्रीवियस सपोर्ट्स थे वो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वो सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ से चेंज इन पोलैरिटी हमको देखने को मिला। डेली चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग था वो भी ब्रेक हुआ है, तो एक पॉजिटिव यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होते हुए दिखा हमको जो सस्टेनेबल होगा, तो यहाँ पे हम लोग महिंद्रा एंड महिंद्रा बाय करेंगे। तो जैसे ये हाई प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहे हैं ऊपर में 1075, तो हम लोग बाय करेंगे, हमारे टारगेट होंगे 1100 और 1125 के हमारे टारगेट होंगे ऊपर में। नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है MGL महानगर गैस। क्लोजिंग देखेंगे हम लोग वीकली तो पॉजिटिव है, लोअर लेवल रिजेक्शन देखने को मिल रहा है और एक स्ट्रांग सपोर्ट से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। एक सपोर्ट जो है ये ऑलरेडी पहले टेस्ट हो चुका है, अभी 2 टाइम टेस्ट हुआ है, तो अभी यहाँ पे ये W पैटर्न बना सकता है आने वाले टाइम में, तो अभी जो है सपोर्ट पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। ये टाइप से अगर ये W पैटर्न बना रहा है तो यहाँ से और हमको अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए हम लोग ब्रेकआउट का वेट करेंगे कंफर्मेशन का कि बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो स्टॉक हम लोग अभी 56 पे क्लोज हुआ है, स्टॉक हम 782 के ऊपर बाय करेंगे, हमारे टारगेट होंगे 800 और 815 के हमारे टारगेट होंगे ऊपर में। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम लोग बाय नहीं करेंगे, वॉच लिस्ट में स्टॉक को रखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है सन टीवी। सन टीवी देखें तो हम लोग क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड के बाद में एक बाउंस देखने को मिला हमको, बाउंस के बाद में वापस से ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो रहा है। प्रीवियसली हम लोग देखे तो एक हायर हाई बना रहा था, बाद में इसने प्रीवियस लोज ब्रेक किए और अभी ये लोअर लो में कन्वर्ट हो चुका है। डेली चार्ट अगर हम लोग देखे तो ये आफ्टर एक बिग फॉल के बाद में ये कंसोलिडेट हो रहा है, तो ये वापस रिज्यूम कंटिन्यूशन में जा सकता है, रिज्यूम कर सकता है डाउन साइड, तो हम लोग वेट करेंगे अभी इसमें। पहले तो ये रेंज प्ले हो रही थी, रेंज में हम लोग वेट करेंगे, बट इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे। जैसे ही ये नीचे में वॉच लिस्ट सॉरी स्टॉक ब्रेक डाउन कर रहा है 400, जैसे 400 ब्रेक डाउन कर रहा है तो 385 और 375 के हमारे डाउन साइड टारगेट होंगे, तो एक दो दिन ज़्यादा ले सकता है स्टॉक ये रेंज में, बट ये एक आफ्टर शार्प फॉल ये जो फॉल हुआ है इसके बाद में थोड़ा कंसोलिडेट होना जरूरी है, नहीं तो नीचे ब्रेक डाउन करके वापस से रेंज में आ सकता है, तो इसलिए कंसोलिडेट एक दो दिन हो रहा है तो पॉजिटिव रहेगा हमारे लिए कि ब्रेक डाउन जो होगा नीचे में वो सस्टेनेबल होगा। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन का वेट करेंगे, 400 के नीचे सेल करेंगे हम लोग, 385 और 375 के हमारे डाउन साइड टारगेट रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।